अस्सलाम वालेकुम, हम और हमारा कराची में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहर कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन इकबाल डिवीज़न में डिस्को बेकरी से मस्कन चौरंगी के अतराफ़ में कायम तजावजात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर दुकानदारों, कब्ज़ा माफिया और ठेले वालों ने अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। यहाँ आपके सामने तंदूर दुकान के बाहर फुटपाथ पर कायम था, जो कि एक इल्लीगल और आवाम के लिए बाइस तकलीफ बना हुआ था। ये शिकायत या तकालीफ सिर्फ एक दुकानदार की जानिब से नहीं, बल्कि हर शख्स इंक्रोचमेंट पर अपना हक समझता है। दुकानदारों के बाहर ठेले और चिप्स वालों को खड़ा करके उनसे किराया वसूल किया जाता है, जिसमें नुकसान अहले मोहल्ला, खवातीन, बच्चे और राह चलती गाड़ियों में सफ़र करने वाले अफराद का होता है। वक्त का ज़िया, पेट्रोल इतना महंगा होने के सबब ये कतारों में इंतज़ार मजीद झगड़े का बाइस भी बन जाता है। बाज़ औक़ात इस्तिजावज़ात के ख़िलाफ़ सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब की जानिब से कार्रवाई की जा रही है, और इस मौके पर मौजूद डायरेक्टर ईस्ट खुर्शीद मुकर्रम, डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राणा, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट टीम्स ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए मेहनत करते देखे जा सकते हैं। और इस सख्त गर्मी में इन टीम्स को हथौड़े की मदद से तंदूर और लैंड ग्रैबिंग को ख़त्म करने में काफ़ी मुश्किल दरपेश हो रही हैं। दुकानों के बाहर से कुर्सियां, काउंटर्स, मुर्गी के पिंजरे और मुख्तलिफ अशिया को जब्त किया जा रहा है, और एंटी इंक्रोचमेंट टीम इनको अपनी तहवील में ले रही है। और इसी के साथ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज हम और हमारा कराची को। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।